दोस्तों आज संडे है और संडे को बना हुआ है स्पेशल चिकन, वो भी फ्रेश। गए थे मार्केट, वहाँ से लेके आए हैं। दोस्तों फिलहाल हम मार्केट आए हैं और मार्केट में नज़र आ रही है मुझे, ये है फ्रोज़न मच्छी और ये रही फ्रेश मच्छी। फ्रेश मच्छी काफ़ी कॉस्टली थी जो कि मुझे शायद सही नहीं लग रही थी। दोस्तों अभी दोपहर के टाइम है और हम लेके आए हैं पाकिस्तानी किचन से चिकन बिरयानी, और काफ़ी ज़बरदस्त चिकन बिरयानी मिली है। तो जैसा कि मैं आपसे बोल रहा था कि हम जा रहे थे चिकन बिरयानी लेने, और ले लिया है मैंने। और ये बिरयानी मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 दरहम में पड़ी हुई है। एक बार हम आपको बिरयानी के पीसेस दिखाएंगे। ये देखो क्या बात है, ये देखो गरम चिकन, उसको खा के चेक करते हैं अभी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं दुकान 6 बजे जा रहा हूं, क्योंकि बच्चों के जो स्कूल हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, तो मुझे सुबह ही स्कूल जाना होता है। सुबह सुबह उठने का एक सबसे अच्छा है कि गर्मी का सामना आपको कम करना पड़ता है, क्योंकि अभी धूप बिल्कुल नहीं है, पूरी की पूरी छांव है। मौसम काफ़ी ठंडा है, काफ़ी ठंडा है काफ़ी हद तक। बच्चों की स्कूली बस आपको रोडों पे सबसे ज़्यादा नज़र आती है सुबह के टाइम पे। और इधर शायद कुछ हुआ है, गाड़ी भी खड़ी है पुलिस फायर की और एम्बुलेंस भी खड़ी है। तो यहाँ पे मुझे बंद करना पड़ेगा अपना कैमरा, तो यहाँ पे वीडियो शूट नहीं कर सकते। फाइनली दुकान तो आ चुका हूँ और सिस्टम भी ऑन कर लिया है, और बाहर बच्चों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा लगी, इसलिए स्टार्टिंग से आया ना। पहले से मैंने ब्लॉगिंग शुरू नहीं करी, क्योंकि जैसे ही मैं दुकान के बाहर पहुंचा तो 4-5 बंदे जो है ना, 4-5 बच्चे, तो 4-5 बच्चे पहले से गेट पे खड़े हुए थे। तो जैसे ही दुकान खोला वैसे फटाफट अंदर आए, उनको जो लेना था जूस वगैरह वो लिया, जूस चिप्स जो लेना था लिया, उसके अंदर वो निकल गया। फिर मैंने सारी लाइट्स ऑन करी, एसी ऑन किया, और ये अभी ऊपर का एसी रह गया ऑन करना, उसको भी ऑन करते हैं। और बाकी सारे फ्रीज़र जितने भी बंद होते हैं रात को, बाकी फ्रेश आइटम को छोड़ते हैं, फ्रेश आइटम तो 24 आवर्स चलते हैं, आइसक्रीम 24 आवर्स चलता है, सिर्फ ये जो फ्रेश आइटम है ना उनको छोड़ के बाकी जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह होता है उसके फ्रीजर रात को बंद कर देते हैं। तो वो भी ऑन किया हमने, देन उसके बाद जो है अब देखते हैं आगे क्या होता है। देखो बच्चा आना चालू हो गए। तो अभी फ़िलहाल दोपहर का वक्त है और जस्ट हम लोग खाना खाने आए हैं। अभी आगे चल के थोड़ा सा बिरयानी लेनी है और आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे भैया हम लोग जो रहते हैं UAE में वो बिरयानी कैसी खाते हैं। मतलब बस ये होता है कि अच्छी बिरयानी कम पैसों में भी मिल जाती है, ठीक है। और वही बिरयानी अगर हम किसी होटल या किसी रेस्टोरेंट में खाएंगे तो शायद उसके डबल पैसे, क्यों ऐसा ही है ना मेरे में, जस्ट डबल पैसे मुझे चुकाने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जहाँ हम चलेंगे, अभी आपको दिखाएंगे छोटा सा शॉर्ट्स क्लिप, तो आप देख सकते हो कि वहाँ पे क्या मतलब ज़बरदस्त बिरयानी देते हैं, ठीक है। तो चलो फटाफट ब्लॉग में बने रहो, बहुत ही ज़बरदस्त ब्लॉग हो रहा है। और बहुत से लोग ना मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं सिर्फ खाने पीने के पर्पज़ से, तो जब मैं जब इधर उधर का ब्लॉग डालता हूँ तो फिर मज़ा नहीं आता। तो मैं सोच रहा हूँ कि बस वही करता रहूँ, आप लोगों को दिखाता रहूँ। बहुत से लोग मुझे कमेंट भी करते हैं, भैया ये बनाओ ये बनाओ। किसी ने कल परसों मुझे कमेंट किया था कि आपके वीडियो चैनल पर बहुत दिन से अंडा करी का ब्लॉग नहीं आया, तो बस मजा आए। ऐसा भी लोग होते हैं, अच्छा। हाँ, जो बोलते हैं मेरे से बोलते हैं भाई मटन कब से नहीं बनाए, चिकन कब से नहीं बनाए, और ये वो कब से नहीं बनाए। तो हम कहते हैं यार वाह, लोगों को देखना पसंद है। चिकन चिकन बिरयानी बिरयानी। तो जैसा कि मैं आपसे बोल रहा था कि हम जा रहे थे चिकन बिरयानी लेने, और ले लिया है मैंने। और ये बिरयानी मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 दरहम में पड़ी हुई है। एक बार हम आपको बिरयानी के पीसेस दिखाएंगे। ये देखो क्या बात है, गजब रे गजब, ज़बरदस्त चिकन दिखाऊंगा मैं आपको इसका। ओह हो, एकदम गरम, ये देखो साफ आ रहा है ना, ये देखो एकदम गरम चिकन, उसको खा के चेक करते हैं अभी। एक नंबर का, आप लोग आइए खाइए और हम भी खाते हैं। दोस्तों चिकन बिरयानी ये पाकिस्तानी किचन से मैंने लिया है, और काफ़ी बढ़िया ये लोग बनाते हैं, और काफ़ी सॉफ्ट चिकन बिरयानी होती है। तो हम और मेरे दोस्त जो हैं, हमने सोचा चलो यार दोपहर में चिकन बिरयानी खाते हैं, उसके बाद यहाँ से खाने के बाद चलेंगे सीधा सुपर मार्केट के अंदर। तो दोस्तों फ़िलहाल हम आए हैं अजमान के सबसे बड़ा मॉल, यहाँ इसको कहते हैं लकी सेंटर, और यहाँ पर लेबर भाई लोग हैं सबसे ज़्यादा रहते हैं, पीछे आप देख सकते हैं।
और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं अपना सामान जो हफ्ते का है वो ख़रीदने आते हैं, और हम भी आए थे। फिलहाल हमें शॉपिंग वगैरह नहीं करनी थी, मुझे जस्ट ब्लॉग करना था, तो अभी अंदर चल के आपको दिखाएंगे हम मच्छी वगैरह का रेट क्या है अभी। और हमारे साथ विक्रांत भाई भी हैं जो कि शायद आगे गए हुए हैं किसी काम से, और हमारे पीछे ये बहुत बड़ा लकी सेंटर है, उसके अंदर सारा सामान मिलता है आपकी ज़रूरत का, हर एक सामान, सब्जी, चिकन, मटन, मीट और चावल, दाल, मतलब हर एक चीज़ मिल जाती है, कपड़े लगते जो कुछ भी आपको चाहिए सब मिल जाता है। दोस्तों अभी हम आए हैं सुपर मार्केट के अंदर, और यहाँ पे मुझे लेनी थी मच्छी, तो मच्छी फ़िलहाल जो मैं लेना चाहता हूँ वो अगर मिल जाएगी तो अच्छी बात है। फ्रोज़न थोड़ा कम पसंद करते हैं सारे लोग रूम में, तो पहले देखते हैं फ्रेश वाली, फ्रेश में कौन कौन सी हैं, उसके बाद ही डिसाइड होगा कि कौन सी लेनी है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे है फ्रेश मच्छियाँ, यहाँ पे फ्रेश हैं, तो यहाँ पे बहुत सी मच्छी आप लोग जान रहे होंगे, बहुत सी मच्छी आप लोग नहीं समझ रहे होंगे, इनमें थोड़े तिलापिया हैं, लेकिन तिलापिया मच्छी थोड़ी सी महंगी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जैसे हम लेते हैं उस हिसाब से महंगी है, तो यहाँ से शायद मुझे नहीं लगता कि हम ले पाएंगे। और ये इधर रहा वेजिटेबल और फ्रूट्स, यहाँ पे वेजिटेबल सारे के सारे मिलेंगे आपको, फ्रूट्स भी आपको हर तरीके का मिल जाएगा, ठीक है, जो भी आपको चाहिए होगा। और सबसे अच्छा मुझे दिख रहा है यहाँ पे छोटा वाला नींबू, और उसके साथ साथ यहाँ पे बनाना भी लगे हुए हैं। छोटा वाला नींबू एक बार हम आपको दिखाते हैं दोस्तों, ये इजिप्टन छोटा नींबू है और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने, मुझे लग रहा था इंडियन है, लेकिन इजिप्ट का है, इजिप्ट यानी मिस्र का है। तो दोस्तों फ़िलहाल मार्केट से भी निकल चुके हैं, खाना भी खा लिया है, और अब हम थोड़ा सा चलेंगे समुद्री इलाके में, वहाँ चलना है, मतलब जाना है कॉर्नेस पे, क्योंकि आज संडे का दिन है, थोड़ा सा ब्लॉग करने में भी अच्छा लगता है, और घूम लेते हैं, भाई भी आए हुए हैं, थोड़ा बातें चल रही हैं, उसके साथ साथ कुछ हमने सोचा चलो घूम भी लेते हैं, तो अभी हम निकल रहे हैं कॉर्नेस की तरफ। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ अजमान के बीच पर, ये देखो, और यहाँ पर आज दिन है संडे का, जिसकी वजह से यहाँ पर मैक्सिमम लोग जो है अपना छुट्टियां मना रहे हैं, और मैक्सिमम जो लोग हैं ये वर्कर लोग हैं, यहाँ देख सकते हो आप, वर्कर लोग हैं जो कि अपना नहाने आए हैं, और उधर बैठे भी हैं, कोई चिल मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और इधर तो कुछ लोग अपना फुटबॉल वगैरह भी खेल रहे हैं, और दिखाते हैं हम आपको भी आगे और चल के। मौसम बड़ा खूबसूरत है, हल्की हल्की गर्मी ज़रूर है, लेकिन सनलाइट जो है जैसे समुद्र में पड़ती है उसकी जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है बड़ी खूबसूरत लगती है, आप लोग को आइडिया लग रहा होगा। चलते हैं फटाफट, ये इस तरफ, यहाँ से ये देखो, इधर शहर नहीं है, इधर पूरा समंदर है, बस ये यहाँ से ये शहर है, ये देखो पीछे की ओर, ये पूरा समंदर है, ये चारों तरफ से बस शहर इतने में है, मतलब बीच बीच में शहर है और बीच बीच में समंदर है। और इस तरफ हो रहा है देखो क्रिकेट मैच खेला जा रहा है, चलते हैं उधर भी देखते हैं थोड़ी बहुत क्रिकेट एंजॉय करते हैं। ओ भाई मस्त लोकेशन है, वाह भाई वाह। दोस्तों आप देख सकते हो ये शाम का वक्त है और खूबसूरत नज़ारा है अजमान बीच का, और कैमरा, हाँ जितना कैमरा, भैया कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भैया, क्या कहना चाह रहे हैं, कहिए कहिए। ये पानी कहाँ से आ रहा है इतना, ये पानी कहाँ से आ रहा है भैया, पानी किधर से आ रहा है, ये घूम के किधर से आ रहा है, ये पानी पीछे से कहीं से आ रहा है, क्या इतनी तेज से आया ना, अंदर अंदर से कहीं से आ रहा है, दोस्तों यहाँ पे कुछ भीड़ ज्यादा लगी है, चल के देखते हैं क्या है, यहाँ पे बहुत सारे लोग, आजी कौन कोई नहीं है, नहीं नहीं है, नहीं नहीं जो अपने बंदा जो कह रहा ना, हाँ तो वो आ गया मेरे पास, यार एक फोटो दे रहा कौन सा, जो पागल हो गया, हाँ करण एक बंदा है वो अच्छा बोलता है बोल के ना, अच्छा अच्छा हाँ वो आ जाएगा यार, तुमने देखा तुमको, अरे भैया यार फोटो की आपको दे दिया, तुम बोले मैं कोई बात नहीं ले लो यार, कभी जुड़े हुए आते हैं, अबे अयो आराम से आना, देखो भैया क्या क्या पड़ा है यहाँ पे,
हाँ तो भाई एडवेंचर हो गया ग्रहण भाई, पहली बार ऐसा। हाँ एक बार और गए, मछली नहीं दिखा रही यार, अभी पकड़ रहा है, टाइम लगेगा। बीच में आई थी ना उठा के, है कोई नहाने वाला? रिस्ट्रिक्टेड है, फट जाएगा पत्थर नीचे। तो गाइस फाइनली हम लोग घूम चुके हैं, घूम घूम के अब हो चुके हैं तृप्त यानी थक चुके हैं और अब जा रहे हैं घर की ओर। शाम का कुछ ऐसा नज़ारा है, इधर हमारे हमारा समंदर और जहां से लोग अभी पलायन करने लगे हैं अपने घर की तरफ, और इस तरफ ये रहा शहर अजमान शहर। पीछे हमारी गाड़ी पार्क है तो गाड़ी में चलते हैं, उसके बाद निकलते हैं सीधा घर के लिए। तो वैसे तो संडे था, शाम को मेरी ड्यूटी थी तो मैं चला गया था ड्यूटी, लेकिन वापस आया तो पता चला दादा ने चिकन बनवाया है और चिकन काफ़ी लजीज लग रहा है देखने में। तो फिलहाल खाना तो बन चुका है, अब हम लोग की सबकी खाने की तैयारी भी है। इधर सब लोग बैठे भी हैं, दादा हैं, श्यामू हैं, शिव लहसुन वाली सारे लोग हैं, सारे लोग खाना भी खाएंगे आराम से। उसके बाद जो है फिर खा पी के फिर सोचेंगे कि सुबह फिर मुझे वही काम है, निकलना होता है सुबह जल्दी ड्यूटी पर। ठीक है, तो क्योंकि अभी स्कूल जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं तो इसलिए यहाँ पे जल्दी निकलना होता है। ठीक है, तो चलो फटाफट खाते हैं, खा के देखते हैं। भूख बहुत तेज़ से लगी है, बर्दाश्त के बाहर है सारी चीज़ें। तो ये हमारी थाली आ चुकी है मेरे सामने, इधर सबकी थाली लगी हुई है, देखो सब लोग अभी जो है खाएंगे और हम भी खाएंगे और इसका टेस्ट करेंगे कैसा है। और आप लोग भी आकर खाइए और ब्लॉग को इन्जॉय करिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।